हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। और इसमें अभी कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, पहले हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ा, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ा मेटल की, उसके बाद में कल हमने एसिड्स के साथ पढ़ा, जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ा मेटल की किस तरह से होता है। अभी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट ऑफ अदर मेटल, ठीक है। तो एक मेटल की दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ क्या रिएक्शन होती है हम देख रहे हैं, क्या है रिएक्शन ऑफ मेटल। तो मेटल की रिएक्शन किसके साथ, विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल, दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ में करना, ठीक है। एक मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी आपकी बुक में दिया हुआ है, तो हमें क्या क्या चाहिए एक्टिविटी के लिए, एपरेटस, कॉपर वायर, ठीक है। तो हमने कॉपर वायर यहाँ पे लिया है, एक कॉपर वायर हमें चाहिए क्लीन वाला, एक आयरन नेल चाहिए जो साफ है क्लीन है एकदम, देन बीकर चाहिए और बीक टेस्ट, या तो बीकर लो या टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। तो हमें दो टेस्ट ट्यूब ले लेंगे हम, एक में एक वायर लिया हमने कॉपर का और एक आयरन का नेल ले लिया। और केमिकल क्या क्या चाहिए हमें, एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट सोल्यूशन, फेरस सल्फेट यानी क्या हो गया आयरन का सॉल्ट, तो हमें क्या मेटल का सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट ऑफ अदर मेटल आगे दर में। तो एक मेटल का सॉल्ट लेंगे तो हो गया आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, ठीक है। और कॉपर का सॉल्ट कॉपर सल्फेट लेंगे, ठीक है। तो दो हमने सॉल्ट लिया, एक कॉपर सल्फेट और एक फेरस सल्फेट आगे दर में। अब देखो एक्टिविटी क्या करना है, तो दो टेस्ट, एक टेस्ट ट्यूब लेना है पहले, इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे हम इसका सोल्यूशन लेंगे CuSO4 का, यानी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। और एक नेल को थ्रेड की हेल्प से यहां पर डाल देंगे, टेस्ट ट्यूब को ऊपर से बंद कर देंगे कॉर्क से, और एक थ्रेड यानी धागा जो होता है, तो धागे से नेल को यहां बांध देंगे इसको, ठीक है अंदर में। तो नेल है आयरन नेल है, क्या इसमें आयरन नेल, और ये सोल्यूशन का है पूरा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है समझ में आ गया। टेस्ट ट्यूब है ये थ्रेड है, ये कॉर्क है जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी बुक में जिससे दिया हुआ है आगे देन। तो एक टेस्ट ट्यूब इस तरह से हो गई, अब दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, सोल्यूशन कौन सा लेना है, फेरस सल्फेट लेना। यहां सोल्यूशन कौन सा लिया, कॉपर सल्फेट, और क्या डाला उसमें, आयरन नेल डाला। मेटल कौन सा लिया यहां, आयरन, और सॉल्ट किसका लिया, कॉपर का, ठीक है। तो एक मेटल मतलब यहां आयरन मेटल की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट यानी कॉपर के सॉल्ट के साथ, यानी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ, समझ में आ रहा है। उसी तरह से यहां सोल्यूशन क्या लिया हमने, फेरस सल्फेट, मतलब सॉल्ट किसका है, आयरन का, और उसमें क्या हम डिप कर रहे हैं, कॉपर वायर, कॉपर यहां एक मेटल हो गया सिंगल, और कॉपर की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, फेरस सल्फेट के साथ आगे देन। तो इस तरह से दोनों टेस्ट ट्यूब को हमें अरेंज करना है, पहले टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया उसमें आयरन का नेल डिप किया हुआ है, और दूसरे में फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लिया उसमें कॉपर का वायर हमने डिप किया हुआ, ठीक है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब को कंटिन्यूअसली, ठीक है, ऑब्जर्व करना है कंटिन्यूअसली करो यार, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में देखते जाओ उसको क्या रिएक्शन में चेंज हो रहा है। तो देखो क्या बोलना प्रोसीजर, टेक अ क्लीन कॉपर वायर एंड अ क्लीन आयरन नेल, तो हमने कॉपर वायर आयरन नेल ले लिया, डिप द कॉपर वायर इन फेरस, कॉपर वायर को फेरस सोल्यूशन में डाल दिया, फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में, और आयरन को आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया। कीप ऑन ऑब्जर्विंग कंटिन्यूअसली एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, हमें कंटिन्यूअसली इसको वॉच करते रहना थोड़ी थोड़ी देर के बाद में, ठीक है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में कितना चेंजेस हो रहा है। इन विच टेस्ट ट्यूब अ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, तो कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हुई बोलते हैं, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज दैट अ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है, ठीक है, कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हुई, ये क्वेश्चन पूछा, और आपको कैसे पता चला कि रिएक्शन हुई है। तो यहां देखो क्या होता है, तो टेस्ट कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगी, ये टेस्ट ट्यूब में जहां पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने आयरन डाला हुआ, लेकिन ये टेस्ट ट्यूब में हमें रिएक्शन होते हुए नजर नहीं आई, जैसा का वैसा दिखेगा। रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, कभी कलर चेंज होता है, कभी हीट तैयार होती है, कभी कुछ ना कुछ होता है, जब भी रिएक्शन होती है तो कुछ केमिकल चेंज होता है आगे दिन में, तो हमें वो चेंज नजर आएगा। अब यहां कुछ चेंज दिखाई नहीं देता, इसका मतलब यहां कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो हम ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी देर बाद, टाइम इंटरवल के बाद, पांच पांच मिनट बाद बोल रहे जो भी है थोड़ी, तो यहां कुछ भी हमें चेंज नजर नहीं आएगा, इसका मतलब यहां कोई रिएक्शन नहीं हो रही, लेकिन यहां इस टेस्ट ट्यूब में जहां कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है यहां हमें चेंज नजर आएगा। तो क्या चेंज नजर आएगा हमें, क्या चेंज होगा, ये कौन से कलर में होता है, ब्लू कलर, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो ये ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का धीरे धीरे क्या होता है, फेड होते जाता है, फेड यानी
फीका होते जाता है और धीरे धीरे करके वो डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर मतलब ब्लू कलर नहीं, खत्म हो जाता है। आगे तक नहीं, सो ब्लू कलर चेंज हो जाता है। अब ब्लू कलर चेंज हो गया मतलब कुछ तो चेंज हो गया वहां पर, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन भी। तो इससे हम पहचान सकते कि रिएक्शन। दूसरा क्या होगा, ये जो आयरन नेल है पहले एकदम क्लीन था तो उसके ऊपर काकी कोटिंग जम जाएगी, रेडिश कलर की कोटिंग जम जाएगी। आगे ध्यान में, तो ये क्यों हुआ इसे, तो यहां में चेंज मिल रहा है कि आयरन के ऊपर रेडिश कलर की कोटिंग जमा हो गई, ठीक है, और ये जो सोल्यूशन है इसका कलर फेड हो गया, मतलब जो ब्लू कलर था वो निकल गया, उसमें ब्लू कलर का नहीं रहा अभी सोल्यूशन, उसका कलर चेंज हो गया, फेड हो गया, हल्का ट्रांसपेरेंट हो गया वो कलर। तो ये रिएक्शन कैसी हुई होगी, अब यहां तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या, यहां हो रही है यहां नहीं हो रही, ये क्यों हो रहा, तो हम इस रिएक्शन को देखेंगे। तो ये CuSO4 और Fe की जब रिएक्शन होती है तो ऑलरेडी इस टाइप की रिएक्शन आप देख चुके हैं। Fe यानी क्या हो गया, आयरन, आयरन का नेल, और जब CuSO4 में डालेंगे तो क्या है कि Fe क्या है, तो क्या तैयार हो रहा है यहां, FeSO4 क्या तैयार हो रहा है, FeSO4 तैयार हो रहा है, और कॉपर क्या हो रहा है, अलग निकल रहा है। तो ये जो इसके ऊपर लेयर जम रही है थोड़ी, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद हम देखेंगे, तो ये जो नेल था इसके ऊपर हमें क्या दिखेगा, एक कोटिंग दिखेगी, ये नेल के ऊपर हमें कॉपर की कोटिंग दिखेगी, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, ये कॉपर अलग हो रहा है, तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें जब हम नेल में डाला, सॉल्यूशन में जब हम नेल डालते हैं तो क्या होगा, ये आयरन की रिएक्शन है कॉपर सल्फेट के साथ होगी। अब यह रिएक्शन कैसी हो रही है, आयरन ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आगे चलिए, तो ये आयरन क्या करेगा, इसको इसकी जगह से हटा देगा, तो कौन सी रिएक्शन हो गई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो हमें पूछा है व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता, अलग कर देता और खुद उसकी जगह ले लेता। तो यहां आयरन ने क्या किया, CU को यहां से हटा दिया, तो CU निकल गया बाहर और Fe ने उसकी जगह ले ली, तो FeSO4 बन गया। तो क्या ध्यान में आता है हमारा, इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी मेटल की किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन होती है तो रिएक्शन कब होगी, जब वो मेटल उस मेटल सॉल्ट के एलिमेंट से मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब यहां पर रिएक्शन नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, देखो तो यहां क्या होगा, कॉपर की रिएक्शन FeSO4 के साथ होगी, तो FeSO4+ कॉपर अगर हमें रिएक्शन अगर करने की कोशिश करेंगे तो होगी नहीं। क्यों नहीं हो रही रिएक्शन, क्योंकि कॉपर, यहां हमने देखा कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको हटा रहा है, लेकिन ये कॉपर आयरन से रिएक्टिव है या नहीं, ये कम रिएक्टिव है, तो कॉपर इसको यहां से हटा नहीं सकता और इसलिए इनके बीच में रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमें कोई रिएक्शन दिखाई नहीं दी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी किसी मेटल की दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो अगर ये मेटल ये सॉल्ट वाले मेटल से अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इस मेटल को उसके सॉल्ट से हटा के, कंपाउंड से हटा के ये मेटल उसकी जगह ले लेगा। आगे ध्यान में, लेकिन अगर इस तरह से रिएक्शन हो रही थी वहां रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अगर उस मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ कर रहे हैं लेकिन वो मेटल सॉल्ट में जो मेटल है वो अगर ज्यादा रिएक्टिव है इस मेटल से तो वहां रिएक्शन नहीं होगी, समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली यहां होती है, तो हम इसको ठीक है ठीक ढंग से बराबर लिख लेंगे सीक्वेंस, तो समझ में आ गया एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी से पता चला हमें कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स क्या होता है, तो जब भी मेटल की दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन होगी तो क्या ध्यान में रखेंगे आप, अगर वो मेटल वो सॉल्ट सॉल्यूशन जिसका भी है मेटल का उससे ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस करके रिएक्शन करेगी, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया और कॉपर अलग हो गया, जिसकी वजह से नेल के ऊपर कॉपर की कोटिंग चढ़ गई और जो सॉल्यूशन बन गया वो काय का बन गया, कौन सा सॉल्यूशन बना, FeSO4, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट चेंज हो गया FeSO4, लेकिन दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्योंकि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है तो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए यहां कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है।
ठीक है। तो जो हमने भी एक्टिविटी देखा, एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर से क्या पता चला हमें कि आयरन नेल की मतलब आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। और कौन सी रिएक्शन हुई, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट ऑफ अदर मेटल सॉल्ट किस तरह क्या होगी, वेन मेटल रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट और मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन हम दे सकते हैं, मेटल ए मतलब मेटल ए लिया हमने, दो मेटल है ए और बी, ठीक है। तो मेटल ए सिंगल मेटल फॉर्म में है और बी का क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। मेटल ए की रिएक्शन हम बी वाले मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं, जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन किसका होगा, ए का, ए वाले का सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार होगा, और ये जिसका सॉल्ट सॉल्यूशन था वो अलग हो जाएगा, तो मेटल बी अलग हो जाएगा सिंगल, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन है, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी इट गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। एग्जांपल हमने जो भी लिया वो, ठीक है। तो इन रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल गेट्स कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन कलर कॉपर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स आउट। तो इन द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट और आयरन नेल के रिएक्शन में क्या होता है, तो ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को फेड हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है, चेंज हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, और जो आयरन नेल है उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग चल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन हमने देखा, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव आयरन हैज डिस्प्लेस कॉपर। तो रिएक्शन में क्या किया, मोर रिएक्टिव आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और वहां अपनी जगह ली फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एंड दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, कौन सी टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से नोट कर लो ये, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स के अंडर में आपको ये नोट कर लेना इस तरह।